हरे कृष्णा। कहा जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में यह ब्रजमंडल सर्वश्रेष्ठ है और उसमें भी गोवर्धन पर्वत अर्थात गिरिराज जी, क्योंकि भगवान ने स्वयं इसे अपने कमल सदृश हाथ से ब्रजवासियों की रक्षा हेतु छाते की भांति उठा लिया था। भगवान के धाम में कुछ चीज़ें अचल हैं और उन्हीं में से एक हैं गोवर्धन अर्थात गिरिराज जी। इन्हीं गोवर्धन पर्वत के प्राकट्य का श्रीमान चंद्र गोविंद प्रभु जी हमारे समक्ष अत्यंत सुंदर वर्णन करेंगे। हमारे प्रवक्ता श्रीमान चंद्र गोविंद प्रभु जी ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। श्रीमान चंद्र गोविंद प्रभु जी भारत के अनेक बड़े राज्यों में भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं और साथ ही इस्कॉन के विभिन्न कार्यक्रमों में भी अपना योगदान देते हैं। प्रभु जी भक्त समुदाय को भी भक्ति में दृढ़ रहने एवं अग्रसर होने हेतु सहायता सूत्र भी प्रदान करते हैं। तो आइए गोवर्धन पर्वत के प्राकट्य की लीला को श्रवण करते हैं श्रीमान चंद्र गोविंद प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री दामोदर लीला में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले सत्र में हमने सुना कि किस तरह से इंद्र ने अपने किए हुए अपराध की क्षमा के लिए भगवान श्री कृष्ण से स्तुति की। बहुत सुंदर स्तुति करने के बाद भगवान इंद्र की उस स्तुति से प्रसन्न हो गए और भगवान इंद्र को कुछ कह रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच एवं संकीर्तितः कृष्णो मघोना भगवान उमं मेघ गंभीरया वाचा प्रहसन इदम अब्रवीत। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की इस तरह से स्तुति की तब भगवान ने स्मित के साथ हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, श्री भगवान उवाच मया ते कारी मघवन मख भंगो अनुग्रहणता मद अनुस्मृतये नित्यम मत्स्येन्द्र श्रिया वृषम। भगवान कहते हैं इंद्र, आप ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद के कारण अंध हो चुके थे और इसलिए मैंने अनुग्रहणता आपके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही आपके यज्ञ का भंग कर दिया है, आपके यज्ञ को नष्ट किया है। क्योंकि इसके पीछे एक बहुत सुंदर सिद्धांत भगवान देते हैं कि आप नित्यम मत्स्येन्द्रिय श्रिया वृषम, आप नित्य मेरा स्मृतये स्मरण रख सकते हैं और सदा सर्वदा के लिए आप मेरा भजन कर सके। बहुत सुंदर सिद्धांत भगवान यहाँ कहते हुए कहते हैं इंद्र को कि यदि कोई व्यक्ति हमेशा के लिए मेरा स्मरण रखना चाहता है तो उस व्यक्ति को मद यानी कि किसी भी चीज का नशा हो, चाहे पैसे का हो, रूप का हो, विद्या का हो, जन्म का हो, किसी भी प्रकार का मद उस व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। और जब वह मद उस व्यक्ति से निकल जाता है तो ही व्यक्ति भगवान को हमेशा के लिए याद रख सकता है। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं त्रिणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। यदि कोई व्यक्ति हमेशा तृण से भी अधिक नम्र मानता है अपने आप को, वृक्षों से भी अधिक सहनशील होने का प्रयास करता है और अपने सम्मान की इच्छा नहीं करता है, दूसरों को मान देता है, वही व्यक्ति भगवान को हमेशा स्मरण में रख सकता है। अहंकारी व्यक्ति के मन में तो अहंकार बसा रहता है और जिस मन में अहंकार निवास करता है उस मन में
भगवान कैसे निवास कर सकते हैं। इसलिए विनम्रता ही भक्तों का एकमात्र आभूषण है, और यदि व्यक्ति विनम्र नहीं हो पाया, वह दास की भावना अपने अंदर प्रकाशित नहीं कर पाया, तब वह अपराध के अलावा और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मद की स्थिति में ही, अहंकार की स्थिति में ही इंद्र से अपराध हो गया, और जैसे ही अपने उस अहंकार का त्याग कर दिया, तुरंत ही इंद्र को भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। तो हमारे जीवन में ये बहुत जरूरी है कि भगवान की कृपा हम पाना चाहते हैं, और हम सोचते हैं कि वो कृपा बहुत दूर है, लेकिन भगवान की वह कृपा इतनी भी दूर नहीं होती है जितना हम समझते हैं। यदि अहंकार चला गया तो कृपा तुरंत ही प्राप्त हो जाती है। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरा स्मरण आपको बना रहे, इसलिए मैंने आपके यज्ञ का भंग कर दिया है। माम ऐश्वर्य श्रीमदान्धो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि संपदेभ्यो यस्य चेच्छाम्य अनुग्रहम। जो व्यक्ति ऐश्वर्य और धन से अभिमानी हो जाता है, वह व्यक्ति नहीं जानता है कि परमेश्वर भगवान के रूप में, काल के रूप में उसे दंड देने के लिए मैं उनके ऊपर बैठा हूँ, और जिन पर मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ उनको मैं ऐश्वर्य से भ्रष्ट कर देता हूँ। ये बात भगवान बहुत सुंदर बताते हैं कि भगवान की कृपा तभी उस व्यक्ति पर हो सकती है जब वह अपने ऐश्वर्य से, पद से भ्रष्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि यदि ऐश्वर्य और पद से व्यक्ति भ्रष्ट नहीं होता है तो उसका अभिमान हमेशा के लिए मन में बना रहता है, और उस अभिमान के कारण व्यक्ति मद से इतना घुमिल हो जाता है कि वह व्यक्ति सही और गलत के बीच का भेद भूल जाता है, अपने विवेक को खो बैठता है, और ऐसा व्यक्ति कभी भी भजन नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान ये बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जिसमें भी अहंकार है वह व्यक्ति मुझे याद नहीं रख पाते हैं, और इसी के कारण, मेरी सत्ता को भूलने के कारण ही इस संसार में वह अपने आप को ईश्वर मानने की भूल कर बैठते हैं, और भगवान ही उसे मृत्यु के रूप में, काल के रूप में दंडित करते हैं। तो भगवान कहते हैं गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियताम में अनुशासनम। इंद्र, आपका कल्याण हो, और आप अपनी राजधानी अमरावती में जाइए, वहाँ पर जाकर आप अपना शासन संभालिए, और अब कभी भी अभिमान मत करना, और दूसरा मेरी आज्ञा का पालन करो, और नित्य निरंतर मेरे सानिध्य का संग करो, मेरे सानिध्य में रहने का प्रयास करो, मेरे सानिध्य के संयोग की अनुभूति करो, और आपके जो अधिकार है उसका मर्यादा से पालन करना। ऐसा नहीं कि आप स्वर्ग के राजा हैं तो आपसे जो निम्न व्यक्ति है उस पर आप अत्याचार करें। एक राजा के जो उत्तरदायित्व होते हैं उसे भगवान ने एक संक्षिप्त श्लोक में समझाकर इंद्र को वहाँ से विदा होने के लिए कहा। तो इस प्रकार से भगवान जब आज्ञा दे रहे थे इंद्र को, उसी समय मनस्विनी कामधेनु अपनी संतान गोप यानी कि गायों के साथ वह गोपवेशधारी परमेश्वर कृष्ण की वंदना करते हुए कामधेनु कहती है कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मान विश्व संभव भवता लोकनाथे न सनाथा वयम अच्युत। कहती है हे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण, आप महायोगी, योगेश्वर हो। महायोगी इसलिए कहा जा रहा है यहाँ भगवान को कि भगवान ने एक योगी जैसा ही कार्य किया था। जैसे योगी अपने सूक्ष्म शरीर से कहीं भी आ जा सकते हैं आसानी से, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने भी एक योगी की तरह गोवर्धन में प्रवेश कर लिया था और गिरिराज जी में अपने स्वरूप को प्रकट किया था। तो माता सुरभि भगवान को महायोगी और योगेश्वर यानी कि योग के ईश्वर के रूप में उनका संबोधन कर रही है और कहती है आप ही स्वयं विश्व हो और विश्व का परम कारण भी आप ही हो, आप ही अच्युत हो। विश्व आप हो कहने का तात्पर्य है कि भगवान की बहिरंगा शक्ति माया से ही इस विश्व का सृजन होता है, और कहती है विश्व के परम कारण भी आप है। भगवान को परम कारण बताने का अर्थ है कि इस संसार में जो भी पंच महाभूत या जितने भी तत्व प्रकट हुए हैं, इन सब तत्वों के जो मूल स्रोत है वह भगवान है।
भगवान का कोई कारण नहीं है। इंद्र की स्तुति में भी हमने सुना कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप ही परम कारण हो, सर्व कारण कारणम। इस संसार में कोई न कोई चीज का कोई कारण होता है, लेकिन भगवान का कोई कारण नहीं है, इसलिए भगवान को सर्व कारण कारणम कहा जाता है। और संपूर्ण विश्व के स्वामी ऐसे आपको हमने अपने रक्षक के रूप में प्राप्त कर लिया है। तब से सनाथा वयम अच्युत, हे भगवान अच्युत, हम तब से सनाथ हो गए हैं। हमें लगता है कि हमारी कोई रक्षा करने वाला है। और जो व्यक्ति भगवान को नहीं जानते हैं या भगवान को नहीं मानते हैं, वे सब इस संसार में अनाथ होते हैं, क्योंकि वास्तविक नाथ वो है जो हमेशा के लिए हमारी रक्षा करे। इस संसार में हम उस व्यक्ति को अनाथ कहते हैं जिसके माता पिता नहीं होते हैं, लेकिन वो माता पिता तो कभी भी जन्म लेते हैं, कभी भी मर जाते हैं। शरीर बदलने के बाद माता पिता बदल जाते हैं। वही माता पिता हम पर एक जन्म से ज़्यादा अनुग्रह नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो वास्तविक माता पिता है वो भगवान है। क्योंकि भगवान का आश्रय यदि हमने ले लिया तो ये तो अच्युत है। अच्युत कहने का अर्थ है कि भगवान अपने पद से कभी च्युत नहीं होते हैं। तो ऐसे अच्युत भगवान को यदि एक बार अपना आश्रय स्वीकार कर लिया तो इस संसार में हम कभी भी दुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए कामधेनु गाय भी भगवान से कह रही है कि हे प्रभु, हमने आपका आश्रय ग्रहण किया है, इसलिए आज के बाद कभी भी इस संसार में हम दुखी नहीं रहेगी, या तो हमारे दुख का कोई कारण भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपको प्राप्त करने के बाद ही हमारे जीवन का एक उद्देश्य सिद्ध हुआ है। ये तो सुरभि के भगवान के प्रति अपने कुछ भावुक वचन थे। बाकी सुरभि गाय का स्थान गोलोक वृंदावन में है और वहाँ पर भगवान गोपी गाय और गोप को आनंद देते हैं। तो ऐसे गोविंद के सानिध्य में रहने वाली ये कामधेनु सुरभि गाय, जो कोई व्यक्ति इच्छा करता है उसको वस्तु प्रदान करने की क्षमता रखती है, ऐसी गाय को कोई कमी कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी कोई समस्या नहीं होने का अर्थ ये नहीं है कि वह परम सुखी है। सभी समस्या नहीं होने से व्यक्ति अपने आप को सुखी मान सकता है, लेकिन वह वास्तविक सुख को तब प्राप्त करता है जब वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। क्योंकि बिना भगवान के सानिध्य से इन ऐश्वर्यों को भी कोई वैल्यू नहीं है। तो सुरभि दूसरे श्लोक में कहती है, त्वम नह परमकम देवम न त्वम इंद्रो जगतपते भवाय भव गोविप्रद देवानाम ये च साधव। सुरभि कहती है कि आप जगत के स्वामी हो, परंतु हमारे तो परम पूज्य आराध्य देव आप ही हो। हाँ प्रभु, इंद्र भले ही अपने आप को त्रिलोकी का स्वामी मानता हो, ये तीनों लोकों पर मैं शासन करने वाले हूँ, लेकिन हमारे लिए तो इंद्र आप ही हो। हम आपके अलावा और किसी इंद्र को या स्वामी को नहीं जानते हैं। इसलिए गायों, ब्राह्मण और देवताओं और साधुओं की रक्षा के लिए आप ही हमारे लिए इंद्र बन जाइए। सुरभि का कहने का तात्पर्य है कि आपने इस त्रिलोकी का शासन संभालने के लिए ये इंद्र की स्थापना की है, लेकिन गाय, ब्राह्मण, साधु और देवताओं की रक्षा के लिए इंद्र आपको ही बनना पड़ेगा। मान लीजिए आप अपने आप को इंद्र नहीं मानते हैं, आप तो इंद्र से भी ऊपर हो, लेकिन हमारे लिए आप इंद्र बन जाइए ताकि हमें और किसी के शरण में नहीं जाना पड़े। और अंतिम श्लोक में वह कहती है कि हम गाय, हम ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको इंद्र मानकर हम आपका अभिषेक करेंगे। तो हे विश्वात्मन, आप इस पृथ्वी का भार दूर करने के लिए ही यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो सुरभि कहती है कि ब्रह्मा जी ने ही हमें कहा है आपका अभिषेक करने के लिए। तो जो काम ब्रह्मा जी ने हमें दिया है हम वही काम करेंगे और हमारे लिए सब कुछ आप ही रहोगे। तीन श्लोकों में सुरभि की स्तुति ये बात सिद्ध करती है कि हे प्रभु, हम आपके पूर्ण शरणागत है और आप ही हमारे लिए सब कुछ है। जैसा आप चाहेंगे वैसा हम करेंगे और हम आपके आश्रय में रहना चाहते हैं। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं कृष्णम उपामंत्र सुरभि पयस आत्मनः जलेर आकाश गंगाया ऐरावत अकरोद्रित है। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को
ऐसी स्तुति करने के बाद कामधेनु ने अपने दूध से और देव माताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सुंड में लाए हुए आकाशगंगा के जल के द्वारा भगवान के अभिषेक करने का निश्चय किया। तो सुरभि ने अपने थनों से दूध निकाला, देवराज इंद्र ने आकाशगंगा के जल के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से उस भगवान गोविंद की स्तुति के साथ अभिषेक भी किया। और भगवान का अभिषेक करने के कारण वहाँ पर एक सुंदर कुंड का निर्माण हो गया और वह कुंड आज गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में गोविंद कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। और यह गोविंद कुंड इस बात का साक्षी है कि यह लीला में भगवान इंद्र और माता कामधेनु के द्वारा परम भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक यहाँ पर किया गया था। और उसके बाद देवराज इंद्र ने उनको गोविंद के नाम से संबोधित किया। ब्रह्मा जी, इंद्र, कामधेनु, ये सभी भगवान का यह जो मूल नाम है गोविंद, इस नाम को जानते हैं और समझते हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति के प्रति श्लोक के चौथे पयार में ये बात कही है कि गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, कि हे गोविंद, मैं आपका भजन करता हूँ, मैं आपका पूजन करता हूँ। तो यह गोविंद नाम से क्यों भगवान को पुकारा जाता है? क्योंकि ये गोविंद नाम जो है ये भगवान का ओरिजिनल नाम है। गोविंद नाम गोलोक में भगवान का वास्तविक नाम है। बाकी जितने भी नाम है या तो लीला परक नाम है या तो भगवान के दिव्य कार्यकलाप के अनुसार उनको दिए गए नाम है। तो भगवान के मूल नाम से संबोधित किए और उसी समय वहाँ पर तुम्बरु, नारद, गंधर्व, विद्याधर, चारण ये सब पहले से ही विद्यमान थे। और हम देखते कि जहाँ पर भी भगवान का पूजा होती है या भगवान का अभिषेक होता है तो वहाँ पर बिना बुलाए बिना बताए जो सिद्ध गण, चारण, देवता, गंधर्व ये सब और नारद मुनि जैसे जो महान भक्त है ये सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। तो इनके उपस्थित होने का कारण क्या होता है कि वे भगवान की कीर्ति का गान करते हैं और भगवान की कीर्ति का गान करते हुए भगवान के दर्शन और भगवान के प्रणाम का लाभ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये देखने को मिलती है कि कामधेनु और इंद्र के द्वारा जो अभिषेक हुआ भगवान का, ये अभिषेक देखने के कारण यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि संसार के सभी पाप और ताप को मिटा देने वाले वह भगवान का ये अभिषेक देखकर, क्योंकि यहाँ पर एक सिद्धांत तो मिल ही गया कि भगवान के अभिषेक को देखने से हमारे ये जो त्रिविध ताप है और हमारे अंदर जो कुछ भी पाप है उस पाप को नष्ट करने का एक सामर्थ्य, एक उत्साह उस हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। यहाँ तक कहा गया कि अभिषेक को देखने वाला व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन में फिर से वापस कभी नहीं आता है। इसलिए भगवान के अभिषेक को देखना ये भी कोई उत्सव से कम नहीं है। और अभिषेक की महत्ता जानने वाले भक्त ही इस बात को समझ सकते हैं कि भगवान के अभिषेक करने से क्या फल हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देवता सब वहाँ पर आकर यहाँ जैसे भगवान का अभिषेक प्रारंभ हुआ वह सब गान करने लगे, नृत्य करने लगे और इस नृत्य से आनंद का वातावरण वहाँ पर निर्माण हो गया। मुख्य मुख्य जो देवता थे जैसे ब्रह्मा जी है, शिव जी है, इंद्र है, ये सारे मुख्य देवता भगवान की स्तुति करने लगे। और नंदनवन जो कि स्वर्ग में स्थित देवताओं का एक बगीचा है, वहाँ पर नंदनवन में जो भी पुष्प उगते हैं वह पुष्प देवता स्वर्ग से लेकर आए थे और उसी पुष्पों की भगवान श्री कृष्ण के ऊपर वृष्टि करने लगे। तीनों लोक में परम आनंद का वातावरण छा गया। जैसे मान लो कि तीनों लोक के अंदर आनंद का पूर आ गया हो, उसी तरह से यह आनंद फैलने लगा और गायों के थन में से दूध अपने आप निकलने लगा। इतना दूध निकला कि ब्रज की सारी भूमि उस दूध से आप्लावित हो गई। इतना दूध गायों के थन से अपने आप बहने लगा और नदियों में विविध रसों का पूर आने लगा। वृक्ष से मधु की धारा बहने लगी और किसी व्यक्ति ने कृषि नहीं किया था, किसी ने खेती नहीं की थी, फिर भी खेतों में अन्न पैदा होने लगा। पर्वतों में छुपे हुए जो मणि थे वे सब अपने आप बाहर निकलने लगे। और हे परीक्षित, भगवान का अभिषेक होने के कारण
जो जीव स्वभाव से क्रूर थे वो भी एक दूसरे के अंदर आपस का वैर भुला दिए और उसमें भी मित्रता का भाव प्रकट हो गया। यहाँ पर अभिषेक के विषय में कितने सुंदर सुंदर सिद्धांत है, समझिए कि भगवान का अभिषेक होने मात्र से प्रकृति में कितना परिवर्तन हो गया। देखिए, सब प्रकृति अपने आप अपने फलों को प्रकट करने लगी। एक सिद्धांत यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है कि जितने भी प्राणी स्वभाव से क्रूर थे, यानी कि शेर और हिरण, तो ये दोनों के बीच मित्रता हो गई जब भगवान का अभिषेक हुआ। तो देखिए, पशुओं के स्वभाव में भी परिवर्तन हो गया। तो इस प्रसंग से हमें जो शिक्षा लेनी है वो यही है कि भगवान का जब हम अभिषेक देखते हैं तो हमारे अंदर इतना प्रेम प्रकट हो जाना चाहिए, इतने प्रेम की भावना हो जानी चाहिए कि कम से कम हमारा जो भक्त वृंद है उसमें हमारा कोई शत्रु न हो और बाहर भी हमारा कोई शत्रु न हो। हम जब तक शत्रुओं से रहित नहीं हो जाते हैं तब तक ये क्रोध, राग और द्वेष ऐसे अनर्थों से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो भगवान के अभिषेक को देखने का ये फल है कि एक पशु में भी यदि स्वभाव का परिवर्तन हो जाता है तो सोचिए मनुष्यों में क्यों नहीं होगा, निश्चित रूप से। लेकिन हमें उसी श्रद्धा के साथ भगवान का अभिषेक देखना चाहिए और श्रद्धा ही इस भक्ति का मूल है और उस श्रद्धा से ही शास्त्रों में बताए गए साधनों को हम पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। यदि श्रद्धा नहीं रही तो वह साधन हमें पूर्ण फल नहीं दे पाएंगे। और यहाँ पर सभी देवता मिलकर पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान का अभिषेक कर रहे थे और इस अभिषेक के कारण न इंद्र के मन में कोई वैर भाव रहा, न ब्रह्मा जी के मन में, न पृथ्वी के मन में, न वहाँ के उपस्थित पशुओं में, न मनुष्यों में, कोई भी जीव के अंदर किसी भी प्रकार का द्वेष या राग या क्रोध सब कुछ चला गया और ऐसे ही सबके अंदर मित्रता का भाव प्रकट हो गया। तो इति गोकुलपतिम गोविंदम अभिष्य सह अनुज्ञातो यो शक्रो वृतो देवादि भिर्दिवीम। कहते हैं कि इंद्र ने इस प्रकार से गाय और गोकुल के जो स्वामी है वे भगवान श्री गोविंद का अभिषेक किया और उनकी आज्ञा लेकर सभी देवताओं के साथ स्वर्ग में प्रयाण कर गए। तो इस तरह से इंद्र जो है वे भगवान के अपराध से मुक्त हो गए। यहाँ पर एक बात हमें सिद्धांत के रूप में यह समझना है कि इंद्र ने इतना बड़ा अपराध किया भगवान का, ब्रजवासियों को मारने का प्रयास किया, फिर भी चार या पांच श्लोकों की स्तुति करने के बाद भगवान ने इंद्र को क्षमादान क्यों दिया, ये प्रश्न हमारे मन में हो सकता है। तो हमारे आचार्य गण कहते हैं कि इंद्र को क्षमादान देने के पीछे भगवान का एक उद्देश्य ये था कि इंद्र ने काम जो भी किया लेकिन सारे अपने ब्रजवासी जितने भक्त थे, जो ब्रज में कुछ दूरी पर भी रहते थे, वे सारे भक्तों को भगवान के निकट ला दिए और निकट लाकर भगवान और भक्त के बीच में एक ऐसा संगम करवाया जो संगम 7 दिन 7 रात्रि तक चला। कोई भी ब्रजवासी कृष्ण को इस तरह नहीं देख सकते थे और ना ही कृष्ण सब ब्रजवासियों को एक साथ इस तरह देख सकते थे। इसलिए भगवान तो भगवान है, वह हमेशा भक्तों का पॉजिटिव भाव देखते हैं। इंद्र भले ही कितना गर्वित या अभिमानी हो गए लेकिन है तो भगवान के अपने भक्त। और इसलिए भगवान ने क्या किया कि इंद्र के इस अच्छे गुण को प्रकट किया। ये इंद्र भी नहीं जानते थे कि अनजाने में मैंने सभी को भगवान का सानिध्य प्राप्त करवाया है और इसलिए बिना कुछ कहे भगवान इंद्र पर इतना प्रसन्न हो गए कि इंद्र के अभिषेक होने के बाद और इंद्र की स्तुति के बाद भगवान ने इंद्र पर कृपा की और ये आशीर्वाद भी दिया कि ये इंद्र कभी भगवान का स्मरण भूलेगा नहीं। तो इस लीला में सबसे जानने लायक जो शिक्षा है वह शिक्षा ये है जिसका 2-3 बार वर्णन हो चुका है। शिक्षा यही है कि मद और अहंकार हमें भगवान का स्मरण भुला देता है। यदि हम हमेशा के लिए भगवान को स्मरण रखना चाहते हैं, हमेशा के लिए हम भगवान के नाम को जपना चाहते हैं या हमारे मन में भगवान की लीला को आविर्भूत करना चाहते हैं या तो शास्त्र पढ़कर हम उस लीला को समझना चाहते हैं तो हमें कृपा की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन कृपा तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है।
और अहंकार से मुक्त होने का एक ही उपाय है, भगवान के भक्तों की संगति करनी चाहिए। भगवान के भक्तों की संगति में भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करना चाहिए। और सबसे पतित मैं हूँ, मुझसे पतित व्यक्ति इस पूरे विश्व में कोई है ही नहीं, ऐसा केवल बोलना नहीं है, ऐसी भावना जब हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है तब जाकर हम भगवान के नाम को ठीक से जप कर सकते हैं। बहुत बार भक्त लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमारा जप में मन नहीं लग रहा है, हमारी रुचि नहीं लगती है नाम जपने में। अपने पद और पोजीशन का अहंकार छोड़कर शांतपूर्ण चित्त से भक्ति करने में यदि लग जाएंगे तो भगवान का नाम हमेशा हम स्मरण में रख सकते हैं, नहीं तो लाख प्रयास करने के बाद भी वह नाम हमारी स्मृति में, हमारे मन में या हमारी जीवा पर नहीं टिकेगा। हम कितना भी प्रयास कर लें, माला लेकर भी बैठ जाते हैं तो भी मन कहीं और भटकने लगता है, हजारों विचार आने लगते हैं। तो इन सब का कारण जो स्वयं भगवान ने बताया है कि हमें अपने आप अंदर से भी कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने स्वभाव में, अपनी पोजीशन, चाहे भक्ति में हो या चाहे भौतिक जगत में कुछ भी हो, अपने सारी पोजीशन का अहंकार ये सब छोड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक यदि हम भजन करने का प्रयास करेंगे तो भगवान हमारे मन से, हमारे हृदय से, हमारी बुद्धि से कभी नहीं जाएंगे और हमारे ऊपर कृपा हमेशा करते रहेंगे। और भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं जैसे इंद्र पर कृपा की उस तरह से हम पर कृपा करें और आशीर्वाद दे कि हम भी भगवान का नाम स्मरण और श्रवण कीर्तन हमेशा करते रहे। और इस तरह से इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम दशमस्कंदे पूर्वार्ध इंद्रस्तुतिर्नाम सप्तविंशो अध्यायः। हरे कृष्णा।